माफिया अतीक अहमद के बेटे असद खान और शूटर मोहम्मद गुलाम की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत की जांच के लिए 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग झांसी आएगा। आयोग के समक्ष कोई भी व्यक्ति मुठभेड़ के संबंध में अपना बयान दर्ज करा सकता है। बता दें कि परीक्षा प्लॉट के पास 13 अप्रैल को एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में असद और मोहम्मद गुलाम मारे गए थे। इसकी जाँच 2 सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग द्वारा की जा रही है। आयोग की टीम 2 दिन के लिए झांसी आ रही है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति मुठभेड़ के संबंध में सर्किट हाउस में 17 अगस्त को दोपहर 1 से शाम 5 और 18 अगस्त को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक अपने बयान दर्ज करा सकता है। झांसी जनपद में अप्रैल महीने में थाना बड़ागांव क्षेत्र अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 2 लोगों को मृत्यु हुई थी। उस संबंधित शासन द्वारा एक न्यायिक जांच आयोग गठन किया गया था, उसमें 2 सदस्य हैं। तो माननीय सदस्यगण द्वारा झांसी भ्रमण का सूचना आ गई है और 17 और 18 तारीख को हमारा झांसी में सर्किट हाउस में रहकर जो स्वतंत्र साक्षियों का बयान अंकित करने के लिए न्यायिक जांच आयोग द्वारा ही हम लोगों को सूचित किया गया कि सर्व संबंधित जो भी जिनको भी स्वतंत्र साक्ष्य को बयान दर्ज करना है, उन लोगों को सूचित करने के लिए एक प्रारूप भी भेजा गया, जो जिसको मीडिया में हम लोग प्रसारित भी कर रहे हैं और आप लोगों को भी अनुरोध कर रहे हैं, आप उस संबंधित सूचना को सभी लोगों को पहुंचाने के लिए मदद करें, ताकि 17 और 18 तारीख को जब 2 सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग का माननीय लोग बैठेंगे, तो उस समय सभी लोग आके बयान दर्ज कर सकें। सर, किस एनकाउंटर में किसकी मौत हुई? वो आप सभी लोगों को पता है, बड़ागांव थाना क्षेत्र में जैसे मैंने पहले ही बताया था, उस संबंधित आप सभी लोग इस संबंधित सभी सर्वसाधारण को सूचित कर दीजिए। झांसी जनपद में अप्रैल महीने में थाना बड़ागांव क्षेत्र अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 2 लोगों को मृत्यु हुई थी। उस संबंधित शासन द्वारा एक न्यायिक जांच आयोग गठन किया गया था, उसमें 2 सदस्य हैं। तो माननीय सदस्यगण द्वारा झांसी भ्रमण का सूचना आ गई है और 17 और 18 तारीख को हमारा झांसी में सर्किट हाउस में रहकर जो स्वतंत्र साक्षियों का बयान अंकित करने के लिए न्यायिक जांच आयोग द्वारा ही हम लोगों को सूचित किया गया कि सर्व संबंधित जो भी जिनको भी स्वतंत्र साक्ष्य को बयान दर्ज करना है, उन लोगों को सूचित करने के लिए एक प्रारूप भी भेजा गया, जो जिसको मीडिया में हम लोग प्रसारित भी कर रहे हैं और आप लोगों को भी अनुरोध कर रहे हैं, आप उस संबंधित सूचना को सभी लोगों को पहुंचाने के लिए मदद करें।